जय हिंद। मैं प्रिय स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल एस्टीमेट में स्वागत है। आज आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का भाग जो बनाए थे, भाग 3। उम्मीद है कि भाग 3 ही होगा क्योंकि उसमें हम लोग भाग 2 तक पढ़ चुके हैं। तो भाग 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन 11 से। देखिए क्वेश्चन 11 से है, आप लोग जितने लोग हैं जुड़ जाइए तुरंत, और जो मैं पहले क्लास चल रहा है फिर इसी को हम डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक है बाबू। तो फर्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर है, आपको 10 तक क्वेश्चन बता दिए थे। दिया है कि एपी 3 15 27 39 डॉट का कौन सा पद, ठीक है, उसके चौवनवे पद से 132 अधिक होगी, ठीक है। आपको बताया हूं होगा, तो देखिए आप लोग जुड़ जाइए। तो इसमें हम जो एपी के रूप में दिया है वो आपका दिया है, एपी के रूप में दिया है 3 15 27 और 39। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ए बराबर, आप लिखिएगा तो ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी के फॉर्मूला मालूम है कि डी के फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A1 की जगह पर लिखेंगे, A2 जगह पर रखेंगे 15 और A1 की जगह पर रखेंगे 3, ठीक है। तो इस तरह डी का मान आ गया आपका 12, ठीक है। अब देखिए 54वें पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, 54वें पद का फॉर्मूला होता है A54 तो होता है A+53D, ठीक है। और देखिए ए का मान रख दीजिएगा 3 प्लस 53 गुणे 12, और गुना कर दीजिएगा इसको, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 53 में और 12 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 636। याद रखिएगा 636 जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपका 639, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इस पर कह रहा है कि इससे 54वें पद से 132 अधिक है बाबू, ठीक है, 132 अधिक है। तो लिखेंगे इसके लिए यहां पर an बराबर, ठीक है, और लिखेंगे 639 प्लस कितना अधिक है 132, यानी देंगे 132, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका जो फॉर्मूला है, अब अपने यहां पर रख दीजिए a+n-1 × d, ठीक है, ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 771, ठीक है। एक मान 3 है, ये है प्लस n की जगह पर रखिएगा, n को तो दिया नहीं है, d की जगह 12 दिया है, तो ये हुआ 771, ठीक है। अब देखिए ये आप देखिए इसको कर लीजिएगा तो लगभग n-1, ठीक है, 12, ठीक है, = 771 में से 3 घटा दीजिए तो n-1, ठीक है, 12 = यहाँ हो गया आपका 600 768 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 को भागा दे दीजिए, n-1 को दे दीजिए यहाँ पर 768 बटा में 12, तो भागा दीजिएगा तो कटा दीजिए टॉप से कटाइए, हम भागा दे रहे हैं मोबाइल से। देखिए अब आ गया, अब डिजिटल बोर्ड के रिपीट पे आ गया, हर चीज आपको डिजिटल बोर्ड से मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। और अब क्लास घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज के समय में हर चीज यूट्यूब पर उपलब्ध है, बशर्ते कि आपको मन से पढ़ना होगा। तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, दीजिए भागा 768 में 7 से 12 से 572, ठीक है, ये हो गया 4, यहाँ 12 × 48 बच्चों 48, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 64 हो गया। अब देखिए n जो मान हो गया यहाँ पर n बराबर 64 और प्लस हो गया आपका 1, तो n बराबर का हो गया जो मान जो था वह कहा जाएगा 65, इस तरह 65 आ गया, ठीक है ना, देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा 12 नंबर, 12 का क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए क्या करो, 12 कह रहा है बाबू कि दो समानांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, यदि इनके सभी पौधों का अंतर 100 है तो इनके सभी पौधों का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है 100, क्योंकि जो होगा 1000 पौधों का अंतर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, माना कि देखिए पहले प्रश्न तो पढ़ लीजिए, प्रश्न आप लिख लीजिएगा बुक से, एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा एनसीईआरटी, ओके एनसीईआरटी, ठीक है एनसीईआरटी से बन रहा है तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसका हम राइट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है याद रखिएगा, राइट आंसर लिख रहा है, माना कर माना माना की, ठीक है माना की ए मान लीजिएगा ए कोमा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट अंतिम मान लीजिएगा आपका ए प्लस एन डी अंतिम पद, ठीक है इसी तरह इसमें बड़ा मान लीजिएगा ए कोमा ए प्लस डी, ठीक है ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट ये भी मान लीजिएगा ए प्लस एन डी यानी अंतिम। अब इसमें देखिए अब दिया है ए 100 और ए 100 बराबर हो गया ए प्लस 99 डी, आपको तो मालूम है क्योंकि आपको बताया है कि ए प्लस 100 डी का फॉर्मूला होता है 99 डी, ए प्लस 99 डी। कोई पूछेगा ए 5 का फॉर्मूला तो ए प्लस 4 डी, ए 7 का ए प्लस 6 डी, तो इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यह तो चीज हो गया आपको यहाँ तक। अब इसमें कह रहा है कि 1000वें पद, तो 1000वें पद के लिए जो भी पद होगा हम लोग का लिख देंगे ए 1000 मतलब कि 100, ठीक इसके लिए हम बड़ा ए लिखेंगे 100 इक्वल टू इसका हो जाएगा ए प्लस 99 डी, इसका हो जाएगा ए प्लस 99 डी बड़ा होगा, ठीक है इस तरह यदि हम लोग आएंगे तो ये हो गया आपका 100, ठीक है ठीक है यहाँ पर हम लोग लेंगे और ये बड़ा जो चीज है अब यहाँ पर बड़ा की चीज आएगा तो ये तो आपको कट जाएगा दोनों माइनस प्लस या रखेगा तो ये हो गया आपका ए माइनस बड़ा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है जो बड़ा हो गया तो ये हो गया आपका 99 डी, तो इस तरह आपको ए ए या बड़ा है या छोटा है के लिए हो जाएगा ए माइनस ए बड़ा के लिए आपका हो जाएगा 100, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं ठीक है 7 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य है। अब बताइए तीन अंक वाली कितनी संख्या विभाजित हो जाए, तो तीन अंक हम लोग 100 से ऊपर जब जाते हैं तो उसको हम कहते हैं तीन अंक, जो 100 से ऊपर जाते हैं बाबू। जैसे आप देखिएगा कैसे हम मान लीजिए 100 आपका आ गया तो 100 जो हुआ तो 100 तब तक तीन अंक हो गया लेकिन 7 विभाज्य नहीं होगा, तो अब जाएंगे हम लोग 101 पर, देखेंगे कट ट्रैक नहीं 7 से कम 7 3 21 नहीं कटेगा, 102 पर जाएंगे तो देखें 7 कम 7 3 पर चलाए 3 32 नहीं कटेगा, 3 पर जाएंगे 103 तो देखें 32 7 कम 7 और बचे 33 नहीं कटेगा, तो मैं देखा हम लोग 105 पर जाएंगे तो पहला जो एपी होगा हम लोग का 105 होगा, ठीक है बाबू तीन अंक के लिए इस तरह के 1 2 3 अंक हुआ। अब इसमें भी देखिएगा इसमें भी 7 जोड़ देते 112 हो गया, इसमें जोड़ेगा 119 हो गया डॉट 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 1000 से नीचे यानी 1000 तो 4 अंक हो गया जी, 1000 4 अंक हो गया तो 1000 नीचे खोजना है जो 7 से पूरी पूरी कट जाए, ओके तो अब इसमें 7 से नीचे देखिएगा तो 7 से हो जाएगा 798 थोड़ा देखिए जिसमें अंतिम 8 हो ताकि 7 पढ़ा ना आता है तो 998 देख लीजिए, तो इसको 7 से कटाइए देखिए अपने सामने हम कटा रहे हैं ना, 1 यहाँ 7 हो गया 2 फिर 9 यहाँ हो गया 128 ये हो गया फिर 9 दूनी फिर यहाँ 128 ठीक है तो 1 18 नहीं कट रहा है
तो आओ देखिए करवा 95 देखिए 995 35 भी आ सकता है 95 देखिए 995 तो 7 से ले जाएगा तो एक मर्द में 7 गया बाबू। अब देखिए 100 चौक 28 नहीं हो गया तो यहाँ क्या होगा हमको लग रहा है 94 रख दिया जाए 7 4 तो अंतिम में 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 14 कट गया ये कट गया 100 चौक 28 ठीक है। तो ये हम लोग अंतिम संख्या होगा 994 याद रखेगा इस तरह का हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते 7 से हो 8 से हो 3 से हो तीन से तीन अंकों से जो कर रहा है तीन अंक के लिए हो 7 से विभाजित होगा ठीक है। तो इसमें अब आपका ए बराबर आपको बना देना है ए बराबर 105 हो गया डी तो बहुत अच्छा से निकाल लीजिएगा पहला में दूसरा में पहला का नहीं होता जाएगा 7 और जो 7 से भाई उसी को डी भी कहते हैं और आपका ए एन आपका दे चुका है कितना 994 तो अब बताइए कि आपसे एन ना निकलेगा तो निकल गया तो मुंह में तक ये निकालिए ना हम जब बनाएंगे तब तो बनाइएगा तो देखिए तो उतारिए लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं ठीक है ना। और देखिए इसके जगह पर रखिएगा 994 स्कोर पे यहाँ हो गया एक जगह पर रखिएगा आपके तो ना 105 प्लस एन के जगह पर तो कुछ देवे नहीं किया भाई नहीं दिया तो डी के जगह पर कितने रखेंगे 7 और देंगे। अब देखिए 994 को इधर आइए 994 माइनस 105 ये हो गया आपका माइनस 1 × 7 यहाँ हो गया और घटाइए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा इसको घटाइए देखिए टाइम आज के चित्र में वीडियो कम बनेगा तब वीडियो में मिनट कम रहेगा तब वीडियो ज़्यादा अटेगा और हम लोग हॉल करेंगे तो बहुत लंबा चल जाता है तो घटाइएगा तो हो जाएगा 889 हो जाएगा ठीक है ठीक है। हमको थोड़ा हिंदी कमजोर रहता है ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं तो 889 होगा ठीक ना। और ये हो गया आपका n माइनस 1 अब देखिए आप यहाँ पर 7 हो गया और इसको कटाइए 89 हो जाएगा 889 अब बटा में 7 बराबर n माइनस 1 ठीक है। और इसको कटा दीजिएगा 7 से तो मैं देखिए कट जाएगा 27 मोस्ट में 127 ठीक है। अब देखिए 127 कटेगा ना जी ठीक है ना ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कटा के देख लीजिए हम डाउट हो रहा है 9 से कटाइए 7 से 7 × 7 एक 9 × 2 = 18 14 ठीक है 49 ठीक रहा है ठीक है। अब बराबर हो गया यहाँ पर n माइनस 1 अब इस n को लाइएगा तो हो जाएगा 128 बराबर n इस तरह इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 14 में दिया है बाबू कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुड़ज है कितने गुड़ज है यानी 10 और 250 के बीच कितने गुड़ज है। अब देखिए यानी कहने का तात्पर्य बाबू कि 4 से 10 और 250 के बीच में कितने कट सकते हैं तो याद रखिए एपी 10 के बाद ऊपर ये 11 10 4 से पहले कटेगा तो ना ना कटेगा 11 कटेगा ना कटेगा 12 कटेगा 12 कटेगा 16 कटेगा 20 कटेगा डॉट 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 कहाँ तक 250 कटेगा 4 से नहीं कटेगा 249 कटेगा नहीं 248 कटेगा बस यही इसी तरह ठीक उसी तरह ये भी क्वेश्चन आ गया ए बराबर का हो गया आपका 12 डी बराबर आपको तो बहुत अच्छा से मालूम है ए टू माइनस ए निकालते हैं
A2 की जगह पक्का रखिएगा 16 माइनस 12। ऐसे में हम पिछले क्वेश्चन बताएंगे जो आता है उसी को नोट भी कह देंगे, याद रखिएगा। तो चार हो गया और ए यहाँ पर दे दिया आपका AN बराबर 248। अब बस मान रख हल कर दीजिए, मान रख हल कर दीजिए, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और देखिए AN जगह पर रखिए 248, इसके जगह पर रखिएगा 12, प्लस एन नहीं दिया है, डी दिया है कितना 4। अब देखिए 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। अब देखिए घटाइएगा तो हो जाएगा 236, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इसको घटाइएगा तो एन माइनस वन 4। अब 236 में 4 से भाग दीजिए बराबर एन माइनस वन, भागा दीजिएगा तो 4 5 20 बचेगा 3, 4 5 20 और 9 4 36। उम्मीद है लगता है कि चल गया, देख लीजिए तो एक बार कटा के दिखा दे रहे हैं, 236 को 4 से कटाने को 4 5 20 9 4 36 ठीक है इक्वल टू एन माइनस वन। अब वन इधर आएगा तो हो जाएगा 60 इक्वल टू एन, यानी आपका 60 आंसर बता लीजिए। अगर इस तरह हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देखिएगा 15 में क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, पंद्रह में क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन वन क्वेश्चन देख लीजिए 15 क्वेश्चन कर रहे हैं एन के किस मान के लिए, मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी हो 63 65 67 डॉट 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 और दिया है 3 10 17 डॉट डॉट एनवे पद बराबर होंगे। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, हम खाली लिखा रहे हैं, ओके। देखिए ये तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप थोड़ा सा विचार लिखाएंगे। अब देखिए अब इसमें दिया है पहला दिया है जो पहली दिया है पहली यानी एपी कहेंगे पहली एपी कितना दिया है 63 65 67। इसमें आपका ए बराबर हो जाएगा बाबू 3 63, डी बराबर आपका हो जाएगा 65 से घटेगा तो ये हो जाएगा 2 और इसका अंतिम नहीं दिया है तो इसको लिख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी
अब देखिए एक जगह पर रखिएगा तिरसठ प्लस एन तो नहीं दिया है, डी के जगह पर रखिएगा कितना दो, ठीक एक एन बराबर इसको लिखिएगा समीकरण एक, ठीक है। अब देखिए समीकरण टू को निकालने के लिए क्या तरीका है, ये पहला चीज बता लीजिएगा। समीकरण टू जब निकालेंगे हम लोग तो ध्यान से सोचिएगा, जो दिया है क्वेश्चन का दिया फिर दिया है दूसरी यानी पहली दूसरी एपी के लिए आपने दूसरी एपी, तो दूसरी एपी में दिया है आपका तीन दस सात, तो ये हो गया ए बराबर तीन और डी बराबर हो गया आपका सात, निकाल लीजिएगा जी हाँ। अब सात में सत्रह जी गठ है, तो इसका हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका हो जाएगा तीन प्लस एन माइनस वन इंटू सात समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो से दोनों को क्या कर देंगे समान कर देंगे, दोनों पदों को समान कर देंगे, ओके। तो देखिए थोड़ा सा तो पहला पद जो था हम लोग का पहला हम निकाले थे समीकरण का निकालते तिरसठ प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर करेंगे कितना हो दो एन है, और यहाँ हो गया आपका तीन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह सात। अब देखिए अपने इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया तिरसठ और प्लस हो गया आपका टू एन माइनस टू, इधर आइएगा तो थ्री प्लस हो गया सात एन माइनस सात। अब सबको इधर लाइए, इधर लाते हैं तब तिरसठ प्लस टू एन माइनस टू बराबर माइनस थ्री माइनस सात एन, और यहाँ हो गया प्लस सात बराबर जीरो। अब देखिए तिरसठ और सात अस्सी, फिर अस्सी में से तीन घटेगा तो हो गया अस्सी सत्तर, सत्तर में से तीन घटेगा तिरसठ और सात हो जाएगा सत्तर में से तीन घटाइएगा तो हो जाएगा आपका सड़सठ, अरे टू एन में से सात एन घटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना पाँच एन पाँच एन, और यहाँ टू बी एन इसको भी घटाइएगा तो यहाँ पे कितना जानते हैं पैंसठ हो जाएगा, पैंसठ हो जाएगा याद रखिएगा। देखिए हर दू गो ये जोड़िए आप ये हटाए पैंसठ हो गया बराबर जीरो। अब हो गया यहाँ पर माइनस पैंसठ एन बराबर हो या माइनस पाँच एन माइनस पैंसठ हो गया, माइनस माइनस कटा दीजिए तो यहाँ हो गया आपका एन बराबर पैंसठ पाँच बटा में पाँच तेरह पाँच पैंसठ एन का मान हो गया तेरह, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लोग देखने में लगा था लेकिन बहुत आसान होगा, जो इसमें आपका आंसर इसका जो आया वो आपका तेरह आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सोलह देखिएगा, सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, सोलह नंबर वह एपी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद सोलह, ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपका दे दिया है कि एक दो तीन एक तीन हो गया आपका एक तीन या तीसरा पद में सोलह, ठीक है। इसका निकाल दीजिए तो ए प्लस टू डी बराबर सोलह, सभी का एक मान लीजिए, ठीक है। और सातवां पद यानी कि ए सात बराबर हो गया आपका कितना सातवें पद से पांचवें पद बढ़ाते ये सात बराबर हो जाएगा ए पाँच प्लस बारह, ठीक है ही ना। तो देखिए आप ए सात हो गए ए प्लस छ डी, ठीक है, इसका हो गया ए प्लस फोर डी और प्लस कितना बारह। और दोनों को क्या किया जाए हल कर दिया जाए, दोनों को इधर ला दिया जाए ए प्लस छ डी माइनस ए या माइनस चार डी बराबर बारह, ए तो कट गया टू डी बराबर बारह, ये हो गया डी बराबर बारह बटा में दो, डी के जगह पर आ गया आपका मान छ, ठीक है।
अब पीसी का जो मान निकला है हम लोग समीकरण को रख देंगे 91। समीकरण एक में एक क्या हो, एक में डी का मान रख देता हूँ, एक में डी का मान मान देखिए क्या होगा, ए प्लस टू डी इक्वल टू 16, ए प्लस टू गुणे डी की जगह पर 6 बराबर 6, 16 ए प्लस 12 बराबर 16, ए बराबर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि घट जाएगा यानी कि 12 अधिक है तो वो एम पी क्या कीजिए, अब देखिए तो ये 4 हो गया, 4 में आप देखिए 4 में डी का मान कितना है 6, तो 10 हो जाएगा, फिर 6 जोड़िएगा 16 हो जाएगा, टोटल ऐसे निकलते हुए 6 4 10, ये आपका ए पी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला आपका दिया है, समझिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी एपी के चौथे पद आठवें पदों का जो 24 है और छठवें और दसवें पदों का जो 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, ठीक ना, ये निकालना है जी। देखिए लिखा है कह रहा है कि किसी 18 नंबर क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ए 4, ठीक है, और प्लस ए 8, तो मान कितना है 24 है, ये हो गया आपका ए प्लस 3 डी और प्लस ए प्लस 7 डी बराबर 24, जोड़िएगा तो यहाँ 2a + 10d बराबर 24, दो कॉमन लीजिए सब में से, तो दो कॉमन लीजिएगा तो 2 पर गया, तो a + 5d बराबर बराबर 24 तो हो गया, लेकिन अब के लिए 12 हो जाएगा, a + 5d या बराबर 12, समीकरण 1, ठीक है, जो दो कॉमन लिए। फिर कह रहे हैं कि छठवें और दसवें पद में जो 44 है, छठवें ए 6 + 10 बराबर कितना 44, ये हो गया आपका a + 5d, ये हो गया आपका a + हो जाएगा 9d इसको 44, जो ये 2a + हो गया 14 14, ठीक ना, ये हो गया आपका 14d इसको 44, कॉमन लीजिएगा a + 7d इसको 44, ये हो गया आपका a + 7d बराबर कितना हुआ 22 हो जाएगा, क्योंकि दो से भाग लगेगा, समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें हम लोग घटा देंगे, ठीक है, जल्दी फास्ट उतरिए, घटा दे रहेगा और घटा देंगे तो खाली पसमान हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है, देखिए लिखा है 2a था, समीकरण 1 और 2 को घटाने का, तो पहले क्या था आपका a + 2a, मतलब जो मान था ये आपका मान निकला था पहले, चौ हम तो कॉमन ले चुके थे ना, तो पहले का आया होगा आपका a + 5d माइनस a + 7d बराबर था 12 - 22, ये हो गया a + 5d इसको a - 7d बराबर हो गया आपका 10, ये कट गया दोनों, ये कट गया तो 2 आ गया, यहाँ पर 2d हो गया -10, तो d के जो मान हो गया यहाँ पर -10 कट गया, 2 कट गए, डी के जगह पर आ गया आपका -5, ये तो -5 आ गया आपका डी का मान, ठीक ना, -5 सॉरी कट गया, हमें माइनस ना आएगा कट जाएगा, -5 कट गया तो यहाँ पर +5 आ गया, अब इस तरह का रहे कि अब इसका मान रख देना उस समीकरण नेक्स्ट में, और उसका मान देखते हैं निकाल देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, डी के मान रखने, एक था आपका a + 5d बराबर 12, ठीक है, तो a + 5d की जगह पर किएगा 5 बराबर 12, अर्थात a + 25 बराबर 12, a = 12 - 25
तो ये हो गया एक मान माइनस 13, इस तरफ माइनस 13 आ गया आपका एक मान। अब आप निकालिएगा तो अब इसका मान आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब इसमें पर तीन पद निकालना होगा, तो ए पी बराबर हो गया आपका माइनस 13 कोमा पाँच जुड़िएगा तो हो जाएगा आपका माइनस, देखिए यहाँ तब 8 हो जाएगा, ठीक है माइनस 8, ठीक है। तो इस तरह आप करते जाइएगा तो आपका इतनी आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हल करते जाइएगा तो तीन ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका मान था इस तरह आपका निकल जाएगा, देखिए आई रूट किया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 19 क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 19 दिया है। सुबा राव ने 1995 में 5000 रुपया कमाता है मासिक या महीना, जिससे उसका आरंभ होता है 5000 से। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये उसका वृद्धि होता है, यानी उसको महीना में वृद्धि किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाता है, ठीक है। देखिए आइए, तो पहले देखिए कि सुबा राव सबसे पहले कितना का शुरुआत करा है, सुबा राव का शुरुआती वेतन कितना है 5000 रुपये, याद रखिएगा 5000 रुपये, ठीक है। अब इसमें आपका कह रहा है वृद्धि कितना कर रहा है, वृद्धि कर रहा है लगभग 200 रुपये उसका वृद्धि हो रहा है, मतलब हर महीना। इस तरह आप एपी में लिखिएगा तो ये आपका 5000 प्लस 7000 हो जाएगा 5200, फिर हो जाएगा 5400, डॉट कटा डॉट ये अंतिम हो जाता है उसका कितना 7000 हो जाता है, अंतिम में उसका 7000 रुपया हो जाता है, क्या रखिएगा। इसका लिखिएगा ए बराबर 5000, बी बराबर पढ़ रहा है 200, और ए एन बराबर हो गया आपका 7000। इस तरह इसको हल कर लीजिएगा। देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ हो गया 7000, ठीक है 7000 तो हो गया बराबर 5000 प्लस एन माइनस वन डी के बराबर 200, यहाँ घटा देंगे तो 2000 हो गया, ही घटा देते हैं 7000 माइनस 5000 बराबर 10 माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। और देखिए आकर्षण मत पहचान नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। और देखिए तो यहाँ हो गया आपका 2000, ठीक है बराबर हो गया 10 माइनस 1 इंटू 200। और देखिए 2000 बांटा में 200 बराबर एन माइनस वन, जीरो जीरो कटा देंगे यह हो गया आपका 10। इस तरह हो गया आपका एन माइनस वन इक्वल टू 10, एन बराबर हो गया 11, आंसर 11 हो गया, देख लीजिए आंसर 11 आता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 6 में हो जाएगा उसके वेतन 7000, ठीक ना, क्योंकि 1995 से शुरू हुआ, 6 में हो जाएगा उसका वेतन 11। अब आइए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या है, अंतिम प्रश्न है ना कि राम कोहली ने किसी वर्ष प्रथम वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है, फिर उसके अगले सप्ताह में 1.75 रुपए बढ़ाती है, तो कह रहे कि उसका उसकी साप्ताहिक 20 रुपए इतना पैसा हो जाती है तो अंतिम पैसा कितना बचाती है, ठीक है। तो देखिए प्रथम राम कली है, राम कली क्वेश्चन उतार लीजिए बाबू, क्वेश्चन आपको उतारते रहिएगा, ओके क्वेश्चन उतारते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है, बीस में दिया है कि शुरुआती में उसका करना हो गया 5 रुपया हो, राम कली उसका नाम लिखो अच्छा से राम कली, नहीं कि श्याम को लिख दीजिएगा, राम कली की बचत, राम कली की बचत बचत कितना करिए 5 रुपये, ओके। अब देखिए उसका हो गया यहाँ पर
एपी बराबर पहले का हो गया आपका 5 रुपया, फिर उसमें 1.75 से जुड़िएगा 6.75 पैसा, ठीक है, उसमें फिर जुड़िएगा तो उसमें फिर जुड़िएगा 8.50 पैसा, ठीक है, टोटल कितना तक हो जाता है तो उसका हो जाता है अंतिम तक 20.75 पैसा, अंतिम हो गया 20.75 पैसा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ए बराबर आपका हो गया 5, बी बराबर हो गया आपका 1.75 पैसा, और ए एन हो गया आपका 20.75 पैसा। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और देखिए इसका हो गया 20.75 पैसा, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका एक जो मान है, एक जो मान है वो आपका 5 हो जाएगा, और प्लस एन तो देवरे की है, डी के दिया है 1.75 पैसा, ये कर देखिए 20.75 पैसा माइनस 5 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन इंटू 1.75 पैसा, ठीक है, ये घटा दीजिएगा तो ये हो गया 15.75 पैसा, ठीक है, एन माइनस वन इंटू 1.75 पैसा, और देखिए यहाँ हो गया 15.75 पैसा भागा में 1.75 पैसा भागा एन माइनस वन, ओके, और इसको कुछ करना नहीं है, भागा दे दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये भागा दीजिएगा तो ये मतलब कि 9 आएगा, उम्मीद का है, पूरा विश्वास है, बिलीव है कि आपका 9 होगा, ये 9 बराबर हो गया आपका एन माइनस वन, तो ये 9 प्लस वन इक्वल टू एन, यानी एन बराबर आपका 10, ये आपका अंतिम सवाल। तो बाबू आप लोग का जो इसमें क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, अगला भाग हम लोग का भाग आएगा 1 में 5.3, तो अगला वीडियो में देखेंगे प्रश्नपत्र का, और वीडियो ऐसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें घंटी बजाएं, ताकि ये पूरे लाइफ पूरे जीवन तक हम जब तक जिएंगे यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, और आप लोग इतना प्यार मोहब्बत हमको दीजिए, उतना आप लोग वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, मजा आते, ठीक है, ओके, चलिए।